हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकओवर विद शालिनी। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों चश्मा पहना है, सो मैं आप लोगों को बता दूं कि आई हैव माइनस पावर। और जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाती थी तो तब मैं चश्मा पहन के ही जाती थी क्योंकि मुझे दूर का कुछ नहीं दिखता है। तो क्योंकि आज कॉलेज लुक है तो थोड़ा सा चश्मा वश्मा पहन लिया, कूल लगेगा, अच्छा लगेगा। वेट, सो एग्जैक्टली ये है कॉलेज लुक। आपको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है अगर आपके आँख खराब ना हुए हो मेरी तरह। तो ये एवरी काइंड ऑफ कॉलेज लुक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल मैंने रखा है क्योंकि कॉलेज में आई शेडो और ब्लश और हाईलाइटर, आई डोंट नो कि ये कोई भी लगाता है क्योंकि मैं भी नहीं लगाती थी। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, टीनेजर्स है, उन लोगों के लिए ये लुक बहुत ही परफेक्ट है। सो चलिए और देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ रोज़ वाटर एंड एलोवेरा जेल जो मैं फ्रिज में रखती हूँ। आप टोनर भी यूज़ कर सकते हैं रोज़ वाटर की जगह। और अगर मुझे जल्दी होती है कहीं जाने की तो मैं फ्रिज से निकाल के मैं इसे अपने फेस में स्प्रे कर लेती हूँ। और इस तरह से मुझे अलग से रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल को अप्लाई नहीं करना पड़ता है। और क्योंकि ये ठंडा है तो मुझे अलग से आइस क्यूब भी अपने फेस में रब नहीं करना पड़ता है। नाउ इट्स टाइम फॉर सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन समर के लिए मस्ट है प्रोडक्ट है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपने फेस पे और अपने बॉडी पे अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिएगा। और फिर हमें 15 मिनट्स वेट करना होता है ताकि सनस्क्रीन हमारे फेस में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और फिर 15 मिनट्स के बाद हम जो भी मेकअप करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि बाहर जाने से मिनिमम 30 मिनट्स पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना होता है। 15 मिनट्स के बाद मैं अप्लाई करूँगी वाइट टोन पाउडर। ये डेली यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये उतना कवरेज तो नहीं देता है लेकिन ये बहुत ही अच्छे से आपके फेस को मैटिफाई कर देता है। तो जिनकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा पाउडर है। ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी पाउडर यूज़ करने का सही प्रोसेस ये है कि आप इसे डैबिंग मोशन में अपने फेस पे अप्लाई करिए। कभी भी स्वाइपिंग मोशन में रब करते हुए बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो ये आपके फेस में एक वाइट कास्ट छोड़ता है। सो हमेशा आप डैबिंग मोशन में ही कोई भी पाउडर को अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा। थोड़ा सा और पाउडर लेके मैं इसे अपने आँखों के नीचे और टी जोन में डैबिंग मोशन में इसे अप्लाई कर लूँगी क्योंकि समर में टी जोन में ही सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होता है और जिनकी ऑयली स्किन है उन लोगों को टी जोन में ही बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। तो ये प्रोसेस करने से बहुत देर तक ऑयल को ये रोक के रखता है, मैटिफाई रखता है हमारे टी जोन को और स्वेटिंग भी बहुत हद तक कम होता है। ये पाउडर को आप हमेशा अपने बैग में रखिएगा और जब भी आप स्वेटिंग करें या आपके फेस में ऑयल आए तो इस पाउडर को आप डैबिंग मोशन में अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा। ये आपके फेस को फिर से मैटिफाई कर देता है। नाउ आई एम टेकिंग अ न्यूट काजल पेंसिल और इसके हेल्प से मैं अपने फेस में जो भी दो तीन पिंपल्स के मार्क्स है उसको मैं हाइड कर लूँगी। ये एक ऑप्शनल स्टेप्स है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंसीलर नहीं करना है और अगर आप जल्दी में हैं तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आपके पास अगर न्यूट काजल पेंसिल है या न्यूट लिप पेंसिल है तो आप उसके हेल्प से अपने फेस में जो भी पिंपल्स के मार्क्स है या कोई भी दाग है तो आप उसको हाइड कर सकते हैं और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। मैं अपने लोअर वाटर लाइन में भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरी आई थोड़ी सी फ्रेश दिखे और थोड़ा सा ओपन अप दिखे। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्लू हेवेंस का ब्लू कलर का काजल और इसे मैं एक छोटा सा विंग लाइनर क्रिएट करूँगी। एंड यू गाइज नो कि हाउ मच आई लव विंग लाइनर। और क्योंकि ये समर है तो मुझे थोड़ा सा कलर पसंद है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ब्लैक कलर का काजल या लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और मैं जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो सबका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। थोड़ी सी काजल मैं अपनी लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई करूँगी और इसे अपनी फिंगर के हेल्प से स्मच कर लूँगी ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। फॉर माई आईब्रोज आई एम यूजिंग ADS आईब्रो पेंसिल। ये एवरीडे यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ नॉट वेरी क्रीमी और ये बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं है तो ये आपके आईब्रोज को बहुत ही नेचुरल सा लुक देता है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। नाउ इज़ टाइम फॉर मस्कारा। आई एम यूजिंग रेवलॉन मस्कारा। ये बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ नहीं है तो ये एवरीडे यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लैक्मी आइकॉनिक भी यूज़ कर सकते हो। और मस्कारा हमारे आईज़ को बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देता है। आप अगर काजल लाइनर कुछ भी नहीं लगाते हो, सिर्फ मस्कारा अप्लाई करते हो, तब भी गिव्स योर आईज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लुक, वेरी नेचुरल लुक।
टुडे आई एम अप्लाइंग मार्स लिप क्रेयॉन फॉर माई लिप्स. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लिपस्टिक गाइज. ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है. अगर आप कुछ खाते भी हो तब भी ये आपके लिप्स में स्टे करता है. ये बहुत ही लाइट वेट है और ये एक सेमी मैट फिनिश देता है. ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है. और आपको लिपस्टिक ही यूज़ करना है, ऐसी कोई बात नहीं है. आप लिप बाम यूज़ करना पसंद करते हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. और अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा ज़्यादा लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है या आप लिपस्टिक को मैट बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से अपने लिपस्टिक को मैट बना सकते हैं. सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज. टिल देन, बाय बाय.